नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अशोक गहलोत ने तेरापंत जैन समाज की साध्वी कनक प्रभाजी से अस्पताल में की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर जताई चिंता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ESCC हॉस्पिटल जयपुर पहुंचकर तेरापंत जैन समाज की प्रमुख साध्वी कनक प्रभा जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनकी कुशल क्षेम जानी। साध्वी जी की कुशल क्षेम पूछने के बाद अस्पताल से बाहर निकले अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत कर साध्वी जी से मुलाकात की। जानकारी देने से साथ ही दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में चिंता व्यक्त की। देखिए अशोक गहलोत का यह वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कनक प्रभा जी जो साध्वी प्रमुखा जी है, जिनका पूरे देश के अंदर हाईएस्ट रेस्पेक्ट कमांड करती है तेरापंथ समाज के अंदर, इसीलिए आप देखिए दूर दूर से सब समाज के श्रावक लोग आए हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, और आ रहे हैं अभी तक भी। तो ये लंबे अरसे से आज़ाद तुलसी ज़माने से ही इन्होंने जो प्रवचन दिए आज तक, उसका एक मैसेज महिलाओं तक मिला। इसे आप देखा भी, इतनी महिला जो बना रखा है संघ इन्होंने, उसमें अभी भी सब लोग काम करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा मिलके। उनके दर्शन मैंने किए थे 10 दिन पहले ही, अभी भीलवाड़ा के अंदर। कल मालूम पड़ा बीमार हो गए तो आए, तो मैं इसलिए मिलना आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक होंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। अपडेटेड गाइडलाइन भी जारी की, आप लगातार चेता रहे हैं कोविड केसेस को। कोविड वाला वास्तव में यूरोप में आतंक मचाया हुआ है। WHO, अगर WHO कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, पहले कहता था, परसों कह दिया 7 लाख लोग मरेंगे। अब कितने मरेंगे किसी को नहीं मालूम है, पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। हमारे यहाँ थर्ड वेव की संभावना रक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे, परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो अभी भी मास्क लगाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जो लापरवाह लोग हो गए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, और हम सब की गलती है उसके अंदर। पॉलिटिकल मीटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो वहाँ कोई कितनी कोशिश कर लो, पब्लिक आएगी तो वो फिर ये सब फॉलो नहीं हो पाता। तो टाइम अब ये है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आज शाम 4 बजे मीटिंग कर रहा हूँ, रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ, और रेगुलर मैंने 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। इसके अंदर 1.5 साल के कोरोना काल में मैंने 450 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैंने गवर्नेंस की दी है, और उसका अच्छा असर रहा, राजस्थान में कंट्रोल में रहा, सबसे कम मृत्यु दर भी, रिकवरी रेट भी राजस्थान के लोगों को मिली, अच्छा प्रबंधन हुआ, सब लोग तारीफ करते। भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में नहीं दुनिया में चला गया, भीलवाड़ा मॉडल कोई चीज़ है और उसी को लोग अपना रहे हैं। तो ये बहुत स्थिति ऐसी बनी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी, जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ किए, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इसराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है, वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जाँच पड़ताल करेंगे। तो भारत सरकार को समय रहते हुए, जो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले इंग्लैंड से और जो लोग आए थे बाहर के मुल्कों से, अचानक ही इंडिया में फैल गया, ये कोरोना फैल गया था उस वक्त, याद को पहली वेव के वक्त में भी, बाद में रोक लगी थी। अब इस बार तो हमें अनुभव है, पहली वेव का अनुभव है, पहली वेव ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, ना ऑक्सीजन जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर जरूरत पड़ी, पर सेकेंड वेव ने आतंक मचा दिया, हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेकर बेड नहीं मिले। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में तो बेड तक की सप्लाई नहीं हो पाई, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाए। एम्बुलेंस के अंदर भी सोए लोगों ने इलाज करवाया थे, वो टाइम देखा हमने, ऑक्सीजन की मारामारी शानदार रही, दवाइयाँ मिल नहीं रही थी, हमने तो चार्टर प्लेन करके बॉम्बे से दवाइयाँ मंगाई, हमने ऐसी स्थिति बन गई हमारी खुद की। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है,
पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। सेकेंड वैक्सीन लगी नहीं अभी लोगों को देश के अंदर। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया फर्स्ट वैक्सीन में हुआ है, उसका प्रचार करने कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक सेकेंड डोज नहीं लगेगी वैक्सीन की, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे को 2 डोज लगी हुई थी, तभी मुझे खुद को हो गया कोरोना। तो दो वैक्सीन लगने के बाद में भी संभावना बनी हुई है। इतना ही है कि आपको फिर माइल्ड होता है, हल्का होता है। बचाव करने के लिए दोनों वैक्सीन लगनी जरूरी है। अभी खाली एक लगी देश के अंदर, 35-40% लगी सेकेंड। तो एक अभियान चले देश के अंदर, अभियान के आधार पर सेकेंड भी डोज लग जाए, उसके बाद में नंबर आएगा बूस्टर डोज का। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अब जो जिसके साल भर होने आ गया है उसका इफेक्ट कम हो जाता है, आपको चाहिए कि आप बूस्टर डोज भी अलाउ करो, जिससे कि जिसके 2 डोज लग गई है उसको 3 डोज लगे, बूस्टर डोज लगे। तो मैं समझता हूँ उस पर अभी तक निर्णय किया नहीं है, क्योंकि पहले वो चाहते हैं 2 डोज लग जाए, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। परंतु जो आदमी बुजुर्ग हैं या को मॉर्बिडिटी है, बीमार है, कई बीमारी उसको लगी हुई है, उसको तो तकलीफ रहेगी कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगेगी तो फिर तकलीफ हो सकती है उसको आ जाए। तो वो सब बातें ध्यान रख के हम लोगों को करनी पड़ेगी कार्रवाई। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।